सीतापुर के हरगांव थाने के अंतर्गत लहरपुर हरगांव मार्ग पर सर्च गए एक बच्चे को हरगांव से लहरपुर जा रही डीसीएम ने रौंद दिया। सूचना पर पहुंची हरगांव थाने की पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु सीतापुर भेजा। चालक डीसीएम सहित भाग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरगांव थाना के अंतर्गत ग्राम रानी फार्म निवासी सुविंद्र का 12 वर्षीय पुत्र सुमित अपने चचेरे भाई अरुण पुत्र राजकुमार के साथ लहरपुर हरगांव मार्ग पर गांव के बाहर साइकिल से शौच के लिए आया था। जब उसका चचेरा भाई अरुण मार्ग के किनारे शौच कर रहा था, तभी सुमित साइकिल लेकर मार्ग पर आ गया। उसी समय उधर से तेज गति से गुजर रही लोड डीसीएम ने उसे रौंदते हुए निकल गई, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु लाश सीतापुर भेज दिया। हरगांव से प्रताप तिवारी के साथ बलराम मिश्रा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। शहरवासियों को और ग्रामवासियों को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और स्वच्छता के और सभी को ध्यान रखना चाहिए और मतलब ग्रामवासियों को और अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत रंग रोगन सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा करके सजाने लगते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर मोहल्ले बाजार सब साफ सुथरे व सजे धजे नजर आते हैं। दीपावली का त्यौहार न केवल भारत अपितु नेपाल श्रीलंका म्यांमार मॉरिशस गुयाना सूरीनाम मलेशिया सिंगापुर फिजी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत भर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली की खासी धूम है, जिससे बॉलीवुड के सितारे भी अछूते नहीं हैं। मुंबई में एसकेएच टीम के साथ बॉलीवुड के नामचीन सितारों ने कुछ इस तरह दी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे आप बेरोजगार हो या कर रहे हो नौकरी, अब भरने वाली है आपके पैसों की टोकरी, क्योंकि सिक्स सेंस लेकर आ रहा है कुछ जीवन को बदलने का मैजिकल फॉर्मूला। जी हाँ, तो सिक्स सेंस परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल उर्फ रतन नूरा और एसकेएच न्यूज देखने वालों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बी सेफ, लव यू। और आप सबको एक बार फिर से मैं नवरात्रि की, दशहरे की और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। देखते रहिए एसकेएच न्यूज चैनल। ऑल द बेस्ट। माय नेम इज साक्षी ठाकुर, आई एम प्रोड्यूसर ऑफ शौहरत एंड आई एम डायरेक्टर of the so many movies and advents और हमारा चैनल है SKH News। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र शिसदकर और आप देख रहे हैं SKH News चैनल। पहले तो मैं SKH News चैनल को अपनी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं दूंगा। तो जैसा आपने नाम ही है SKH, सच क्या है ना, तो बस आप ईमानदारी से इसी सच को उजागर करते रहें बिना किसी डर के जी। आप सच्चाई को लोगों के सामने लाते रहें तो आपका जो चैनल है ये दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से प्रगति करता जाएगा। देखिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। SKH News स्टैंड फॉर सच क्या है, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा जान के कि यह कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है कि सच क्या है एक्चुअली। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल होते हैं जो हमारे
चीज़ों को नहीं दिखाते, जो जो सच है वो चीज़ों को नहीं दिखाते, और जो झूठ है उसको एंटिसिपेट, वो आई एम थैंकफुल टू इट। और मैं चाहता हूँ कि एस के एच न्यूज़ ऐसे ही काम करते रहो, पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो एस के एच न्यूज़। थैंक यू सो मच। मैं चैनल के बारे में कहना चाहूँगी, हमेशा वो तरक्की करें और सच को वो रिप्रेजेंट करें, और ओनली इंडिया में नहीं वो वर्ल्ड में फेमस हो जाए, और जितने भी सारे टीम्स मेंबर इसमें काम कर रहे हैं वो ज़रूर इसमें सक्सेस हो। थैंक यू। हाय, मैं हूँ नेहा दास और आप देख रहे हैं एस के एच न्यूज़ चैनल। मेरी तरफ से आप सबको विश हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और तरक्की करें। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। Good afternoon, all of you. May in this Diwali you be blessed with good happiness, wealth, prosperity and happiness. Wish you very happy Diwali. आप सभी जनपद वासियों को मेरा दिवाली की ओर से शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ कि ये फटाके हैं वैसे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बट बच्चों के शौक के लिए चलाएंगे तो हैं ही बच्चे, उनके साथ बड़ों का होना बहुत अनिवार्य है, और बच्चों को अकेला ना छोड़ें और पर्यावरण को स्वस्थ बनाएं। मैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा BMS आयुर्वेदाचार्य हूँ, और मेरा यहाँ शिकोहाबाद में आयुर्वेदिक सेंटर है जैसे आयुश्री आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है, और इसमें हम पंचकर्म करते हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है आज के टाइम के लिए, और जितने भी हैं किडनी से रिलेटेड डिजीज हैं, जिनको रीनल फेलियर है उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट्स हैं, और जिनको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है अपने पास। तो जो भी लोग समस्याओं से पीड़ित हैं वो आएँ और एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पाएँ जिसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक